चलिए आज बनाते हैं चने की दाल का बहुत ही चटपटा हेल्दी सा नाश्ता, जो कि खाने में तो टेस्टी है लेकिन बहुत ही कम तेल से ये नाश्ता बन करके तैयार होगा। तेल इसमें ना के बराबर होगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है ये नाश्ता। तो नाश्ता को एक बार ट्राई कीजिएगा, और ठंडियों की शुरुआत हो गई है तो ये नाश्ता खाना बनता है। तो चलिए देर न करते हुए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज का जो नाश्ता है वो चने की दाल से बनने वाला है, तो चलिए हम रेसिपी को बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर चने की दाल ले लेंगे, और एक कटोरी चने की दाल लिया है। एक कटोरी चने की दाल से आप बहुत ढेर सारा नाश्ता बना करके तैयार कर सकते हो। तो एक कटोरी चने की दाल को सबसे पहले हम धुल करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर दाल को अच्छी तरीके से एक बार आप बिन करके साफ कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसे 2 से 3 पानी से बढ़िया से धो लीजिएगा। अगर इस नाश्ते को आप सुबह में बनाना चाहते हैं तो रात में ओवरनाइट इसे भिंगो दीजिएगा, और अगर इवनिंग में बनाना चाहते हैं तो आप इसे मॉर्निंग में भिंगो करके रख दीजिएगा, और नहीं तो 2 से 3 घंटा पहले आप इसको भिंगो देंगे तब भी ये भींग जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए 2 से 3 पानी से बढ़िया से मैंने इसे धो लिया है, और धुलने के बाद फिर इसे हम पानी डाल करके जो है रख देंगे भींगने के लिए। दाल अच्छी तरीके से भींग जाए, जिसके लिए हमें यहाँ पर पानी थोड़ा ज़्यादा ही दाल के अंदर डालना है। दाल अच्छी तरीके से पानी के नीचे डूबे रहे तभी ये दाल बढ़िया से फूल करके तैयार होगा। अब इसे हम ढक करके छोड़ देते हैं। मैं ये नाश्ता शाम को टाइम बना रही हूँ, इवनिंग टाइम में, तो यहाँ पर मैंने मॉर्निंग में ही इसे भिंगो करके छोड़ दिया था। और अब दोस्तों, अब शाम का टाइम है तो यहाँ पर जो है दाल हमारा बहुत अच्छी तरीके से फूल चुका था, और आगे की तैयारी देखिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने लिया है 1 कटोरी चावल का आटा। तो यहाँ पर 1 कटोरी चावल का आटा लेंगे, और इसी के साथ हम थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करेंगे गेहूँ का आटा। आप इस नाश्ते को केवल चावल के आटा से भी बना सकते हैं, या फिर आप गेहूँ के आटा से भी इसे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चावल के आटे के साथ में आधी कटोरी से भी कम जो है इसके अंदर मैंने गेहूँ का आटा लिया है, और आप चाहे तो इसे बराबर बराबर में भी ले सकते हैं। अब हमें दोनों ही चीज़ों को डालने के बाद इसके अंदर ऐड कर देना है थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक, और नमक डालने के बाद इसे हम जो है नॉर्मल पानी से जो है इसे गूंथ करके तैयार करेंगे। सबसे पहले हम नमक को आटे में अच्छी तरीके से मिला लेते हैं, उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसे गूंथ करके तैयार करेंगे। तो आटा हमें बहुत ज़्यादा कड़क नहीं लगाना है, बस हमें जैसे नॉर्मल रोटी चपाती बनाते हैं उसी तरीके से हमें इसे जो गूंथ करके तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक बार में पूरा पानी आपको नहीं डालना है, नहीं तो आटा गीला हो जाएगा, आपका नाश्ता अच्छा नहीं बनेगा। तो चलिए हम फिर इसे गूंथ लेते हैं। तो दोस्तों, ये विंटर का बहुत ही खास नाश्ता है, आप इसे कभी भी बनाएंगे, आप इसे कितना भी ज़्यादा बना लें कम बना लें, आप इसको खा कर ना कभी बोर नहीं होने वाले हैं। ये नाश्ता इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, आपने इसे एक बार बनाया तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे, और सभी को ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। और दीपावली करवा चौथ में ये खास नाश्ता ज़रूर बनता है सबके घर में। तो यहाँ पर ये देखिए हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटे को गूंथ लिया है, और अब इसको ढक करके छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। तब तक हम इसके लिए भरावन बना करके तैयार करेंगे। तो चलिए हम इसको रखते हैं एक साइड में, और ले लेते हैं हम चने की दाल को। तो चने की दाल ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से फूल करके तैयार हो गया है। वापस मैंने इसे एक पानी से और अच्छे से धो लिया है, और धुलने के बाद हम आपको चेक करा देते हैं। देखिए दाल बढ़िया से फूला हुआ है। चलिए अब ले लेते हैं यहाँ पर छोटा वाला मिक्सी का जार, और जो हमने दाल तैयार किए हैं इसको हम सारे दाल को मिक्सी के जार में डाल देंगे। और सारी दाल डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे आगे का इंग्रेडिएंट। तो सबसे पहले इसके अंदर डाल देते हैं लहसुन। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 जवा लहसुन का डाल दिया है। साथ में इसके अंदर ऐड करेंगे 2 हरी मिर्ची, और थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आप नहीं खाते हैं आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, आप बिना लहसुन का भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, हमने जो है सभी चीज़ों को डालने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस 1 चम्मच से 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं डालना है, और इसे हमें थोड़ा सा ठीक ही पीसना है। और यहाँ पर हमने छोटे वाले जार का इस्तेमाल किया है, तो दाल को हम 2 बार में पीसेंगे। चलिए पहले एक बार हम इसे पीस लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए दाल मैंने एक बार पीस लिया है। अब इसके अंदर थोड़ा और इंग्रेडिएंट को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हींग डाल देते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हींग का फ्लेवर पसंद करते हैं तो ज़रूर डालिएगा, क्योंकि चने की दाल से थोड़ा गैस वगैरह भी बन जाती है ना, तो इसलिए यहाँ पर हींग जरूर डालना। तो दोस्तों, अगर हींग का फ्लेवर आप पसंद करते हैं तो डालिएगा, नहीं तो आप हटा भी सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डालेंगे। हींग का जो है फ्लेवर इसमें नाश्ते में बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है, और ये हेल्दी भी होता है।
इससे गैस वगैरह भी नहीं बनती है चने की दाल से, तो आप इसमें अगर खाते हैं तो ज़रूर डालिएगा, स्किप ना करिएगा। और यहाँ पर आप कुछ सूखे मसाले डाल देते हैं। दाल हमारा पीस चुका है, तो इसके अंदर सबसे पहले एक चम्मच इसके अंदर जीरा का पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे और आधा छोटा चम्मच इसमें गरम मसाला डालेंगे। स्वाद के अनुसार यहाँ पर नमक डालेंगे। अगर आप इसमें चाट मसाला डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। और इसके बाद इसको अच्छी तरीके से हमें जो है मिला लेना है। चलिए दोस्तों इसको मिला लेते हैं। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आ रही है दोस्तों, छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर ये देखिए हमने दाल को बढ़िया से तैयार कर लिया है, अब हमारा भरावन तैयार हो गया है। तो अब जो हमने आटा लिया है गूंथ करके, इसे एक बार और थोड़ा सा नेट कर लेते हैं, थोड़ा सा मसल लेते हैं, जिससे हमारा सॉफ्ट आटा देखिए बढ़िया से लग करके तैयार हो गया है। और आटे में से अब थोड़ा सा ये देखिए इस तरीके से आटे का पोर्शन लेंगे और इसे हम एक मीडियम साइज की रोटी बेल करके तैयार करेंगे। तो रोटी बहुत ज़्यादा पतली नहीं बेलना है, थोड़ा इसे मीडियम थिक ही बेलना है। तो चलिए इसको पहले बेल लेते हैं। ठंडियों में तो अक्सर ये रेसिपी हमारे घर में बनती ही है दोस्तों, तो आज भी बच्चों ने फरमाइश किया था बनाने के लिए, तो मैंने कहा चलो बना ही रहे तो ये रेसिपी आप लोगों के साथ में भी शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए जो हमने दाल का भरावन तैयार किया है, इसको हम जो है अच्छी तरीके से इसके अंदर स्टफिंग को लगाएंगे। और इसके स्टफिंग को लगाते समय आप एक बात का ध्यान रखिएगा, किनारे एकदम छोड़ करके लगाइएगा, जो किनारा है इसका ना थोड़ा सा खाली ही रखेंगे। और इस तरीके से ये देखिए इसको लगाने के बाद इसको फोल्ड कर देंगे, और इसे फोल्ड करने के बाद ये देखिए साइड साइड से इसके जो है अच्छी तरीके से बंद कर देना है, ताकि जो भरावन है वो बिल्कुल भी स्टीम करते समय बाहर ना निकले। और हल्के हाथों से ही इसे उठाना है इसको भरने के बाद। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से दोनों साइड से हमने जो है इसको बंद कर दिया है, और इसे जो है इसी तरीके से हम सारे को ही तैयार कर लेंगे। और इधर पानी भी चलिए चढ़ा देते हैं, गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने डाल दिया है 1.5 लीटर पानी, और पानी में एक नींबू इस तरीके से स्लाइसेस में काट करके डाल देंगे। जब पानी अच्छी तरीके से बॉयल होगा तब हम नाश्ते को इसके अंदर स्टीम करने के लिए रखेंगे दोस्तों। और यहाँ पर एक स्टीनर लेते हैं, स्टीनर में हम हल्का सा तेल से पहले इसको ग्रीस कर लेते हैं। और यहाँ पर अगर आप नींबू नहीं डालना चाहते पानी में तो आप स्किप भी कर सकते हैं, पर इस तरीके से डाल देते हैं ना तो पानी का जो स्मेल होता है वो नहीं आता है नाश्ते में, और नाश्ता बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी बनता है और खुशबूदार भी बनता है। और इधर पानी भी ये देखिए अच्छी तरीके से बॉयल होने लगा था, तो यहाँ पर मैंने स्टीनर रख दिया है, और नाश्ते को ये देखिए इस तरीके से इसके अंदर रख के इसे कवर कर देंगे। 10 से 12 मिनट तक इसे जो है हम स्टीम होने देंगे। बीच में आप एक आध बार इसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि गैस की फ्लेम के ऊपर भी है कि कितना तेज़ आपका गैस की फ्लेम जो है जलता है और कितना स्लो जलता है, उसके हिसाब से आप अपना जो है नाश्ते को एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए हमने इसे चेक किया तो नाश्ता हमारा अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। 10 से 12 मिनट ही लगा है दोस्तों, और बहुत बढ़िया से ये देखिए कुक हो चुका है। तो अब इसको हम ये देखिए इस तरीके से पीसेस में काट लेंगे। आप चाहे तो नाश्ते को इसी तरीके से जो है चटनी बना करके खा सकते हैं, और या फिर आप चाहे तो इसको थोड़ा सा तड़का भी दे सकते हैं, और ये ऐसे भी खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो मैं तो इसे बनाते बनाते ही एक दो पीस ऐसे ही खा जाती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये मुझे टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने सारे ही पीसेस को इसी तरीके से काट करके तैयार कर ली हूँ। और अब चलते हैं गैस की तरफ दोस्तों। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने पैन चढ़ा दिया है, और डाल दिया इसमें सरसों का तेल। आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हैं आप इसमें डाल सकते हैं। तेल को अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे, और उसके बाद इसके अंदर हम तड़का डालेंगे। और जब तेल का ये देखिए कच्चापन निकल गया है, तो इसके अंदर डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच राई के दाने। राई के दाने को अच्छी तरीके से पहले क्रंकल होने देंगे। जब राई के दाने अच्छे से चटकने लगे ना, तब आप इसमें आगे का इंग्रेडिएंट डालें। राई अच्छे से चटक जाते हैं ना, तभी जो है स्वाद अच्छा लगता है, नहीं तो फिर कड़वा कड़वा सा स्वाद लगता है। अब इसके अंदर ये देखिए मैंने 2 सूखी लाल मिर्ची डाल दिया है। थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर देंगे करी पत्ता भी, और मिर्ची को पहले थोड़ा सा यहाँ पर तेल के साथ में बढ़िया से इसे फ्राई कर लेते हैं, और थोड़ा इसे साइड में कर देते हैं ताकि जो मिर्ची है ना वो जले ना। और अब इसके अंदर थोड़ा सा डाल देंगे करी पत्ता। तो मैंने यहाँ पर ड्राई करी पत्ता डाला है, आप चाहे तो यहाँ पर ताजे करी पत्ता डाल सकते हैं इसके अंदर। और मैं इसे सुखा करके रखती हूँ ना, ताकि जब कभी मुझे काम हो तो मैं इसे तुरंत यूज़ कर लूँ। और यहाँ पर ये देखिए जो नाश्ता हमने बना करके रखा है इसको हम इसके अंदर डाल देंगे, और इसे अच्छी तरीके से चलाते हुए इसे 2 मिनट तक बढ़िया से रोस्ट कर लेंगे, जिससे क्या होगा नाश्ता का जो है स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप इसे हरी चटनी के साथ में सर्व कर सकते हैं, या अपने मनपसंद चटनी के साथ इसे आप खा सकते हैं। इस नाश्ते को आप गेहूँ के आटे से भी बना सकते हैं, और मिक्स दाल के साथ भी बना सकते हैं। मिक्स दाल के साथ भी बनाइएगा, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं दोस्तों। तो आप चावल के आटे के साथ या फिर गेहूँ के आटे के साथ
किसी के साथ भी इसे बना सकते हैं और इसकी रेसिपी हमारे जो है चैनल में पहले से ही अपलोड है, आप लोग जो है विजिट कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ ये नाश्ता बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और मैं इसे दोनों तरीके से ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपके साथ में दोनों तरीका ही शेयर किया है, आपको जो भी तरीके से पसंद हो नाश्ता आप इसे बना करके इंजॉय कर सकते हैं। और इस नाश्ते की खास बात यह है दोस्तों कि ये बिना तेल का बनता है और इसे बिना तड़का का भी खाया जा सकता है। बिना तड़का का भी ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, अगर आप इसे खाएंगे ना तो आप इसे बार बार बनाएंगे। बच्चे हो चाहे बड़े हो, सबको ये नाश्ता पसंद आने वाला है। और ये देखिए कितना ज़्यादा टेस्टी और कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट नाश्ता बन करके तैयार हुआ है। तो मैंने यहाँ पर इसे ग्रीन चटनी के साथ में जो है इसे इंजॉय किया है दोस्तों, आप अपनी मनपसंद चटनी के साथ इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की रेसिपी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि आने वाली जो वीडियो है, रेसिपी है, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे दोस्तों। और फिर ऐसी एक न्यू रेसिपी के साथ में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।